वैलेंटाइन पर जहां सभी अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने में लगी हुए थे, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड मना रहा था फेमस फिल्म फेयर अवार्ड। ये अवार्ड शो असम के गुवाहाटी में हुआ, जिसमें रेड कार्पेट पर बॉलीवुड के सितारों ने अपने जलवे बिखेरे। फिल्म फेयर में कई सितारे अपनी परफॉर्मेंस का जादू चलाते नजर आए। फंक्शन में बॉलीवुड के कई फेमस एक्ट्रेस एक्टर पहुंचे, जिनमें आलिया भट्ट, मौनी रॉय, वरुण धवन, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना मीडिया को पोज देते नजर आए। रेड कार्पेट पर सजी सितारों की इस महफिल को देखकर हर कोई फिदा हो गया। फिल्म फेयर में कार्तिक आर्यन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबकी नजरें कार्तिक पर इसीलिए थीं क्योंकि कार्तिक फिल्म फेयर में परफॉर्म करने वाले थे। अपनी परफॉर्मेंस से कार्तिक ने सभी का दिल जीत लिया। कार्तिक और सारा अली की मूवी, जिसे इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया है, 14 फरवरी को रिलीज हुई, जिसे लेकर कार्तिक पहले से ही सुर्खियों में थे। फिल्म फेयर की इस परफॉर्मेंस ने कार्तिक को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। अपनी परफॉर्मेंस में स्टेज पर कार्तिक ने हीरो की तरह बाइक से एंट्री ली। अपनी परफॉर्मेंस में कार्तिक आर्यन शाहरुख खान और सलमान खान के गानों पर जबरदस्त डांस करते नजर आए। कार्तिक की इस परफॉर्मेंस ने स्टेज पर आग लगा दी। परफॉर्मेंस में कार्तिक अपनी मूवी लव आजकल के गाने पर भी थिरकते हुए नजर आए। कार्तिक आर्यन की इस परफॉर्मेंस को श्यामक डावर ने कोरियोग्राफ किया। श्यामक के पार्टनर मार्जी पिस्टन जी ने पूरी टीम को डायरेक्ट किया। 65वें अमेजॉन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का आयोजन 15 फरवरी को असम के गुवाहाटी में हुआ। वहीं कलर्स टीवी पर यह अवार्ड शो 16 फरवरी को सुबह 9 बजे दिखाया गया। अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड सितारों ने अपना जलवा बिखेरा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।